दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसका यूज जो है वो है डिस्टेंस नापने के लिए। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ इसका डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जा रहा है। ये दो सेंसर, दो इसमें सेंसर है, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। इसका यूज हम करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए। डिस्टेंस भी हम ज्यादातर जो इसका यूज आता है, अभी जो आप देखते हो गाड़ी की जो पार्किंग के पीछे रहती है ना, पार्किंग अलार्म्स रहते हैं, वहां ये ज्यादा यूज में आता है। ये तीन तो लगे रहते हैं कम से कम, एक साइड में, एक को दोनों साइड में और एक बीच में, और अब तो बीच में कैमरा भी आने लग गया। तो जहां इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की हमें जरूरत नहीं होती कि भाई बिल्कुल MM/MM की हमें एक्यूरेसी चाहिए, जहां हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और है तो वो कितनी दूरी में है, अप्रोक्सीमेटली कितनी दूरी में है, तो हम इन सेंसर्स का यूज करते हैं। और ये बहुत ही प्रचलित है, पार्किंग सेंसर पहले ज्यादा यूज आते हैं ये। और हमें अगर कोई हॉबी सर्किट बनाना है जिसमें कि हमें देखना है कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, या फिर ऐसा कोई दरवाजा बनाना है, गैराज डोर बनाना है जिसमें कि मैं अगर पास पहुंच जाऊं तो वो अपना मेरे को सेंस कर गेट ऑन कर दे, या कोई भी ऐसा फंक्शन लागू कर दे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नजदीक हो तो वो किसी भी चीज को ट्रिगर कर दे, किसी भी चीज को काम कर दे, तो हम इस तरह के चिप का यूज करेंगे। ये जो सेंसर है अब तो हर चीज मॉड्यूल्स के रूप में अवेलेबल है, हमें ज्यादा कुछ सोचने की या ज्यादा अलग अलग से सब जोड़ के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खाली बस तीन चार पिन हमें दी हुई होती है, उसको हमें यूज करना होता है, ज्यादा कुछ ऐसा यूज है नहीं इसका। जैसे इसमें आगे बताऊंगा मैं क्या क्या है इसका, पिन वगैरह कैसा है। ये इसका तरीका है। ये क्या है कि ये ट्रांसमीटर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजेगा। यहाँ इसको ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिलते ही ये वापस आया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, रिफ्लेक्शन को ये जो रिसीवर है इसने कैच कर लिया। अब इसने जो भेजा और इसको जो मिला उसके जो बीच का जो गैप है, टाइम का जो डिफरेंस है, वो हम नापते हैं, और उसे नापने के बाद हमें पता चलता है कि मेरा कितनी दूरी पर मेरा ऑब्जेक्ट है। और इसका ऑपरेशन जो है 3.3 वोल्ट से चालू हो जाता है। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम इसकी, 3.3 वोल्ट से चालू हो जाएगा। क्वेश्चन करंट बहुत ही कम है इसका, 2 mA से कम है, और जब ऑपरेट कर रहा होता है तब ये 15 mA तक लेता है। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आगे हमें भेजता है जो सिग्नल भेजता है, वो 40 kHz है, यानी कि वो हमारे सुनने से काफी ऊपर है। हम 20 kHz तक सुन पाते हैं, तो हमारे सुनने से वो काफी ऊपर है, इसलिए हमें हमारे कानों में कुछ पड़ता नहीं है। इसकी रेंज है वो 2 cm से लेकर 400 cm, यानी कि 1 इंच से लेकर 13 फुट तक ये है। एक्यूरेसी इसकी प्लस माइनस 3 mm है। मैंने बताया ना, जहाँ हमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, अगर अगर मान लो हमें कहीं नापना है या और कोई ऐसी कोई चीज़ है जहाँ हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम वहाँ और किसी सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें 3 mm ऊपर नीचे भी हो गया, अगर मैं मतलब जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया बता रहा है पार्किंग के समय, वो हल्का सा ऊपर नीचे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे को एक एक आइडिया तो मुझे मिल ही गया ना कि क्या कितना है नहीं है। ये सेंसिटिविटी है, प्रेशर, साउंड प्रेशर, इफेक्टिव एंगल 15 डिग्री का, 15 डिग्री में अच्छा काम करता है। और कनेक्टर इसके चार पिन कनेक्टर है। वेट इसका बहुत छोटा है, 9 ग्राम का कुल है, ये बहुत ही पतला है। ये इसके सेंसर का जो जो इसमें है ट्रांसमीटर रिसीवर है उनका पोर्शन ये है कि ये तो केस हो गया, ये हॉर्न हो गया, इसे जो वेव को एकत्रित करने में मतलब के एक पॉइंट पर लाने के लिए हमें ज्यादा यूज आता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इससे ही हम फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं और इससे ही हम वापस भी सुनते हैं। नीचे दोनों कनेक्टिंग लीड्स आ गई। एप्लीकेशन मैंने बताया है इसका कि एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन इसका गाड़ी के लिए ही होता है। गाड़ी के पीछे देख सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, आप देखोगे गोल गोल से, कोने कोने में गोल गोल से ऐसे तीन लगे हुए होंगे, वो यही यही है। वो यहाँ थोड़े खुलकर दिया हुआ है, वहाँ एक केस टाइप में बंद रहते हैं, चीज वही है। तो ये बता देगा हमें, ये डालता है, इको सुनता है, वापस लेता है, और इसको डिस्टेंस कितना है एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता है, और उसी के हिसाब से कुछ बजर बजाना है, अलार्म बजाना है, वो बजा देता है। और इसका यूज होता है पानी की जो लिक्विड लेवल डिटेक्शन में, यानी कि पानी का जैसे कहाँ तक पानी भर गया, तो ये वही यहाँ से ये सेंसर लगा हुआ है, ये डालेगा, पानी से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तब मेरे को पता चल जाएगा पानी मेरा यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है।
ये देखने में आपको सामने से देखने में ऐसे लगेगा। ये चार इसके पिन होती है, VCC यहाँ सप्लाई देनी है, ग्राउंड यहाँ ग्राउंड देना है, ये ट्रिगर है, एक इको है। ट्रिगर से हम सिग्नल भेजेंगे, ट्रिगर ने इसको सिग्नल भेजा, इसने ट्रांसमिट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो रिसीवर है ये इको का वेट करेगा, इको मतलब वही प्रतिध्वनि। अब जाके टकरा के वापस जब आएगा ये उसका इंतजार करेगा, इंतजार जैसे इसको मिलेगा ये MCU को भेज देगा, इसने MCU को भेज देना। MCU को भेजते ही MCU अपना काम शुरू कर देगा, वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा, कितने दिन कब मैंने भेजा था, कब मुझे वापस मिला, डिफरेंस मैं निकाल लूंगा। ये इसका डायग्राम है कि सिग्नल कहाँ कहाँ से कितनी दूरी तक ट्रेवल कर जाता है। सबसे लंबा ट्रेवल ये सीधे ही कर ज़्यादा सीधे ही ज़्यादा ट्रेवल करेगा, जितना साइड में होता रहता है उतना ट्रेवल अच्छा नहीं कर पाता। ये टाइमिंग डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम में साफ दिया हुआ है कि 10 माइक्रोसेकंड की हमें पल्स भेजनी है ट्रिगर इनपुट पर, जो ट्रिगर का इनपुट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 8 साइकिल ऑफ बस्ट ये अपने आप भेजेगा, 40 किलोहर्ट्ज़ के ये बस्ट भेजेगा, ठीक, और इको का वेट करेगा। जैसे ही इको आ जाएगी ये आगे भेज देगा, जैसे कि यहाँ हमने यहाँ से ट्रिगर पल्स भेजी, ट्रिगर पल्स इसको मिलते ही इसने 40 किलोहर्ट्ज़ की बस्ट भेजनी शुरू कर दिया, इसने भेजी। अब इसको इको मिल गया, इको मिल गया 10 माइक्रोसेकंड से 18 माइक्रोसेकंड के बीच में इसको इको मिल गया, ये प्रोसेस कर देगा। अब इको मिलने के कम से कम 10 मिलीसेकंड बाद ही हम अगली वाली ट्रिगर पल्स भेजेंगे, समझ के। यहाँ ट्रिगर पल्स भेजी, इसने अपना जो बस थी वो भेजी 40 किलोहर्ट्ज़ की, थोड़ी देर बाद हमें मतलब 18 मिलीसेकंड तक हमें इको मिल जाएगा, उसके बाद भी हम 10 मिलीसेकंड का इंतजार करेंगे, फिर हम अगली जो वो ट्रिगर पल्स है वो भेजेंगे, ऐसा हमें करना ये हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से हमने भेजी ट्रिगर, इको गई, ट्रिगर पल्स गई वो मतलब के बस्ट गया यहाँ से 40 किलोहर्ट्ज़ का, वापस आया इधर गया। 2 पिन चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की, एक तो ट्रिगर करने के लिए, दूसरी वाली रिसीव करने के लिए, 4 इसमें पिन कुल हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है। आर्डिनो की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करनी, कैसे उसको यूज़ करना है, और इस पर आधारित कोड के इसको कैसे हम चलाएंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए सेंसर के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।